इस वीडियो में बात करेंगे कैंसर बायोलॉजी के बारे में। कैंसर बायोलॉजी एक साइंटिफिक फील्ड है जो कैंसर के कॉजेज, डेवलपमेंट और ट्रीटमेंट को स्टडी करती है। ये कैंसर सेल्स के बिहेवियर, जेनेटिक म्यूटेशन और ट्यूमर माइक्रो इन्वायरमेंट को समझने की कोशिश करती है। फॉर एग्जाम्पल, जेनेटिक म्यूटेशंस। कैंसर बायोलॉजी में ये स्टडी किया जाता है कि कैसे जेनेटिक म्यूटेशन सेल्स को कैंसरस बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, BRCA1 और BRCA2 जीन्स की म्यूटेशंस ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर रिस्क को इंक्रीज करती हैं। इसी तरह ट्यूमर माइक्रो इन्वायरमेंट में देखें तो कैंसर सेल्स की सराउंडिंग टिश्यूज और सेल्स का रोल भी स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्यूमर एसोसिएटेड मैक्रोफेजेस जो ट्यूमर ग्रोथ और मेटास्टेसिस को प्रमोट करती है। इसी तरह कैंसर ट्रीटमेंट में देखें तो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स और थेरेपीज के इफेक्ट को एनालाइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और टारगेटेड थेरेपी के इफेक्ट को स्टडी करना। इसी तरह कैंसर पाथवे में देखें तो सेल सिग्नलिंग पाथवेज को जो कैंसर डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। तो इसका जो मेन मकसद है वो है अंडरस्टैंडिंग कैंसर मैकेनिज्म, यानी कैंसर के डेवलपमेंट और प्रोग्रेशन के मैकेनिज्म को समझना। इसी तरह आइडेंटिफाइंग जेनेटिक फैक्टर्स, जेनेटिक म्यूटेशंस और अल्टरेशन जो कैंसर को कॉज करते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना। डिवेल्पिंग ट्रीटमेंट में भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। इसमें इफेक्टिव कैंसर ट्रीटमेंट और थेरेपीज डेवलप की जाती हैं जो स्पेसिफिक कैंसर टाइप्स के लिए टारगेट कर सकती हैं। इसी तरह इम्प्रूविंग डायग्नोसिस भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इसमें अर्ली डिटेक्शन और एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए न्यू बायोमार्कर्स और डायग्नोस्टिक टूल्स डेवलप किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। तो इसकी इंपॉर्टेंस अर्ली डिटेक्शन, ट्रीटमेंट डेवलपमेंट, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, अंडरस्टैंडिंग मेटास्टेसिस में आती है। इसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंस बहुत सारी फील्ड्स में है। हम बात करते हैं अर्ली डिटेक्शन की। तो कैंसर बायोलॉजी की इंसाइट से अर्ली डिटेक्शन और डायग्नोसिस टेक्निक्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। ट्रीटमेंट डेवलपमेंट में देखें तो नॉवल थेरेपीज और ट्रीटमेंट डेवलप करना जो स्पेसिफिक कैंसर टाइप्स और पेशेंट्स के लिए इफेक्टिव हों। इसी तरह पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में भी इसका अहम रोल है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन अप्रोचेस को इम्प्लीमेंट करना जो इंडिविजुअल पेशेंट्स के जेनेटिक प्रोफाइल्स के बेसिस पर टेलरेट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह अंडरस्टैंडिंग मेटास्टेसिस में देखा जाए तो कैंसर के स्प्रेड के मैकेनिज्म को समझना जो एडवांस्ड कैंसर स्टेजेस को मैनेज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करते हैं यूजेस की। तो इसका यूज़ बहुत सारी फील्ड्स में है। लाइक कैंसर रिसर्च में देखें तो रिसर्चर्स कैंसर के काजेज, प्रोग्रेशन और ट्रीटमेंट को स्टडी करने के लिए कैंसर बायोलॉजी का यूज़ करते हैं। क्लिनिकल ट्रायल में देखें तो न्यू कैंसर ट्रीटमेंट और थेरेपीज को टेस्ट करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स में कैंसर बायोलॉजी के प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जाते हैं। इसी तरह इसका यूज डायग्नोस्टिक टूल्स में है। कैंसर डिटेक्शन और डायग्नोसिस के लिए न्यू बायो मार्कर्स और डायग्नोस्टिक टेस्ट डेवलप करने में कैंसर बायोलॉजी का यूज़ होता है। पेशेंट्स केयर में देखें तो कैंसर पेशेंट्स के लिए पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान और सपोर्टिव केयर स्ट्रेटजीज डेवलप करने में कैंसर बायोलॉजी का रोल इंपॉर्टेंट है। आई होप सो आपको कैंसर बायोलॉजी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव एंड लेटेस्ट वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।